ऑर्किड्स या ऑर्किडेसी फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में देखते हैं। ये मोनोकोटिलीडन्स की एक फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली में जो फ्लावर होते हैं ट्राईमेरस फ्लावर होते हैं, मतलब तीन तीन के ग्रुप में या रिंग में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो इन्हें हम ट्राईमेरस फ्लावर कहते हैं। ट्राईमेरस फ्लावर जनरली मोनोकोटिलीडन्स में पाए जाते हैं, तो ऑर्किडेसी फैमिली में भी ट्राईमेरस फ्लावर पाए जाते हैं, जिसमें तीन सेपल और तीन पेटल होते हैं। ये सेपल जो और पेटल जो होते हैं ये काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, यानी सेपल्स भी ग्रीन ना होकर बल्कि कलरफुल होते हैं, दूसरे कलर के होते हैं, इसलिए इनको हम दोनों को मिला के पेरियंथ भी कहते हैं कई बार, क्योंकि कई बार पेटल्स और सेपल्स को कई जीनस में अलग अलग पहचानना मुश्किल होता है। हालांकि हम पहचान लेते हैं, क्योंकि सेपल्स से वाला रिंग जो बाहर बाहरी रिंग होता है, बाहरी वर्ल्ड होता है, ठीक है, वो ग्रीन नहीं होता बल्कि दूसरे कलर का होता है, और अंदर का जो रिंग होता है उसको हम पेटल कहते हैं। तो कई जेनरा में सेपल्स भी पेटलॉइड होते हैं, मतलब कलरफुल हो जाते हैं, दूसरे कलर के, ग्रीन कलर के ना होकर किसी अन्य कलर के, ठीक है। और इसमें से जो पेटल्स होते हैं, तीन पेटल्स हैं, तो उसमें से दो पेटल नॉर्मल होते हैं और एक पेटल विशेष साइज का होता है, विशेष शेप का होता है, जिसको हम लेबलम कहते हैं। लेबलम इसका एक विशेष लक्षण है ऑर्किडेसी फैमिली का। तो लेबलम में एक विशेष पेटल ही है जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए स्पेशली स्पेशलाइज्ड हो गया है, ठीक है। उसका शेप भी अलग होता है, इसी के कारण क्या होता है कि फ्लावर आपको जाइगोमार्फिक दिखेगा, मतलब एक पेटल थोड़ा अलग शेप के होने के कारण आप उसको केवल एक ही प्लेन से बराबर भागों में बांट सकते हैं फ्लावर को, इसलिए इसको जाइगोमार्फिक फ्लावर भी होते हैं इसमें, ठीक है। कैसे होते हैं? जाइगोमार्फिक फ्लावर, ठीक है। जैसे फ्लावर है तो उसको आप केवल एक प्लेन पे ही काटेंगे तो दो बराबर भागों में बटेगा, अगर आप ऐसा काट रहे हैं तो वो बराबर भाग में नहीं बटेगा, किसी दूसरे प्लेन पे काटेंगे तो, ठीक है। तो केवल एक ही प्लेन या समतल में काटने पर वो दो भाग में बटता है, बराबर दो भागों में, इसलिए इसको जाइगोमार्फिक कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्लावर होते हैं काफ़ी कलरफुल होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, इसलिए इसका फ्लावरी कल्चर में फ्लावर के लिए इसका कल्टीवेशन किया जाता है, और साथ में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी इसको काफ़ी यूज होता है, ठीक है। इसके फ्लावर लंबे समय तक फ्रेश भी बने रहते हैं, इसलिए इसको हॉर्टिकल्चर या फ्लावरी कल्चर में काफ़ी उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें, सिस्टमेटिक पोजीशन को, तो ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत मोनोकॉट्स में आते हैं, यानी एक बीजपत्री पौधों में। इसके अंतर्गत एक ऑर्डर है एस्पिरागेल्स, यह ऑर्डर एपीजी फाइलोजेनेटिक ग्रुप क्लासिफिकेशन के माध्यम से दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऑर्किडेसी फैमिली आती है, ठीक है। कौन से क्लासिफिकेशन में? एपीजी यानी एंजियोस्पर्म एक फाइलोजेनेटिक ग्रुप, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इसमें एस्पिरागेल्स नाम से ऑर्डर बनाया गया है। उसके अंदर बहुत सारे फैमिली हैं जिसमें ऑर्किडेसी भी आता है। बेंथम एंड हुकर ने ऑर्किडेल्स ऑर्डर ही बना दिया था, जो कि माइक्रोस्पर्मी सीरीज या ट्राइब के अंतर्गत रखा था उन्होंने ना, माइक्रोस्पर्मी एक टेक्जॉन था, उसके अंतर्गत ऑर्डर रखे थे, तो ऑर्डर का नाम भी ऑर्किडेल्स ही था, ठीक, उसके अंतर्गत ऑर्किडेसी फैमिली रखा था बेंथम एंड हुकर ने, परंतु ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है एपीजी, एपीजी 1, 2, 3, 4 आ चुके हैं ना, तो उसके अनुसार एस्पिरागेल्स के अंतर्गत रखा जाता है ऑर्किडेसी फैमिली। इसमें 763 जेनस हैं, कहीं पर 900 जीनस भी लिखा हुआ है एक बुक में, एंजियोस्पर्म की एक बुक है सिंह पांडे जैन रस्तोगी पब्लिकेशन की उसमें, और 28,000 स्पीसीज हैं उस बुक में, 20,000 स्पीसीज लिखा है, हो सकता है वो पुराना पब्लिकेशन हो। इसमें स्पीसीज की संख्या भी घट बढ़ रही है, कुछ लोग अलग अलग स्पीसीज में रखते हैं कुछ पौधों को, कुछ एक साथ रख रहे हैं, तो थोड़ा वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें जो सीड्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल सीड्स इसमें पाए जाते हैं, और वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं कई बार, या एंडोस्पर्म बहुत कम होता है, जिसके कारण बहुत सारे बीज अंकुरित होते हैं या नहीं होते हैं, कुछ जो अंकुरित हुए उनसे भी जीवित पौधे लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, यानी बहुत सारे बीज
पौधे नहीं बना पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक का भी उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर ऑर्किड्स तो वेजिटेटिवली ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। इस ऑर्किडेसी फैमिली में चार सब फैमिली, पांच सब फैमिली हैं। साइप्री पेडियोइडी, इसको लेडी स्लीपर ऑर्किड भी कहते हैं, यानी ये स्लीपर क्या है, साइज का आकार के फ्लावर इसमें लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें इसको लेडीज स्लीपर ऑर्किड्स भी कहते हैं, इस फैमिली के मेंबर्स को, ठीक है। जैसे साइप्रिपेडियम इसके अंतर्गत आएगा, ऑर्किडियोइडी, वेनेलॉइडी, वेनिला आता है इसमें, एपीडेंड्रोइडी, ये लार्जेस्ट सब फैमिली है इस ऑर्किडेसी फैमिली का, जिसमें 576 जेनरा, 15,000 स्पीसीज पाए जाते हैं। एपोस्टेसिओइडी, ये पांच सब फैमिली हैं इसमें बांटा गया है, ठीक है। एपीडेंड्रोइडी में मोस्टली एपीफाइटिक के, यानी किसी दूसरे पौधे के ऊपर उगने वाले ऑर्किड्स पाए जाते हैं इसमें ना। एपीफाइटिक का अर्थ होता है किसी दूसरे पौधे के ऊपर उगते हुए पाए जाना, ऊपरी रोही शब्द हिंदी में यूज होता है, ठीक है। तो ऑर्किड्स जो होते हैं एपीफाइटिक होते हैं, और कुछ टेरिस्ट्रियल भी होते हैं। टेरिस्ट्रियल अर्थात जमीन पर उगते हुए पाए जाते हैं ना, और एपीफाइटिक अर्थात किसी पौधे के ऊपर उगते हुए पाए जाएंगे, ठीक है। रेजुपिनेशन एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो जब बनता है शुरू में, तो उसके तुलना में डेवलपमेंट के दौरान ये काफ़ी ट्विस्ट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, जिसके कारण जो भाग ऊपर था वो नीचे की ओर आ जाता है, या थोड़ा दूसरे साइड में चला जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, पेडिसील जो पुष्प का वृंत होता है वो ट्विस्ट कर जाता है, यानी घूम जाता है, कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर, या थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। ओवरी भी ट्विस्ट हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, फ्लावर डेवलपमेंट के दौरान ये चेंजेस आते हैं, तो इसको रिजुपिनेशन कहते हैं। इसके बारे में आगे मैं डायग्राम से भी समझा दूँगा, ठीक है। गाइनोस्टेमियम, ठीक है, गाइनोस्टेमियम इसका एक विशेष कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि स्टामेन, यानी एंथर वाला भाग, मेल पार्ट होता है ये ना, सॉरी क्या आ गया, और फ्यूज विथ स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो स्टामेन होते हैं ये स्टाइल और स्टिग्मा के साथ क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। स्टाइल और स्टिग्मा ये ओवरी के ऊपर लगे होते हैं, यानी गाइनोसियम के पार्ट होते हैं, स्टामेन ये मेल पार्ट होता है ना। तो इन तीनों के मिलने के कारण एक स्ट्रक्चर बनता है जो कॉलम शेप्ड होता है, जिसको गाइनेंड्रियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं गाइनोस्टेमियम। ये जनरली ऑर्किडेसी और एक और फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। तो गाइनोस्टेमियम या गाइनोस्टेजियम भी कई बार कह देते हैं। गाइनोस्टेमियम और गाइनोस्टेजियम में थोड़ा सा अंतर ही है, जो कि डेवलपमेंट के दौरान थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो गाइनोस्टेमियम पाया जाता है ऑर्किडेसी फैमिली में, जो स्टेमेन, स्टाइल और स्टिग्मा के फ्यूज होने से बनता है, ठीक है। रेजुपिनेशन ये ट्विस्टिंग हो गया, मतलब फ्लावर घूम जाता है, उसका पेडिसिल ट्विस्ट हुआ, मतलब फ्लावर जो भाग ऊपर था वो नीचे की ओर आ गया ना। पोलन ग्रेन जो होते हैं, या तो ग्रेन्यूलर होते हैं दानेदार, या फिर पोलिनिया के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। पोलिनिया एक क्या होता है, वैक्सी मार्क्स होता है, यानी बहुत सारे पोलन ग्रेन एक वैक्स जैसे संरचना में चिपके रहते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, चिपचिपे स्ट्रक्चर में, जिसको पोलिनिया कहते हैं। और ये पोलिनिया इंसेक्ट के माध्यम से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, ठीक है, स्टिग्मा तक, अर्थात जो गाइनोस्टेजियम या गाइनोस्टेमियम स्ट्रक्चर बना है वहाँ तक ये पहुँचता है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन इनमें पाया जाता है, ठीक है। इसके फ्लावर ही इतने कलरफुल होते हैं कि ये इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए विशेष एडॉप्टेड हैं, अनुकूलित होते हैं। इनमें फ्रेग्रेंस भी पाया जाता है इनके फ्लावर्स में, नेक्टर भी पाया जाता है कई ऑर्किड्स में, और लेबलम जो स्पेशल पेटल्स होता है, एक लेबलम एक पेटल होता है जो हमने पहले भी देखा, ठीक है। एक एक पेटल होता है जो कि स्पेशलाइज्ड तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि इंसेक्ट के बैठने के लिए या इंसेक्ट के अनुसार वो अरेंजमेंट
होता है जिससे इंसेक्ट आसानी से वहाँ पर नेक्टर के लिए आ सके, और जब वो आए तो उसके साथ पॉलिनिया जुड़ जाए और वो दूसरे प्लांट तक पहुँच जाए इंसेक्ट्स के माध्यम से। ठीक है, तो ऑर्किड्स जो होते हैं ये टेरिस्ट्रियल और एपिफाइटिक दो टाइप के होते हैं, ये पहले ही देख लिया हमने ना। जैसे टेरिस्ट्रियल ये ज़मीन पर उगने वाले ऑर्किड्स हैं, और एपिफाइटिक जो हैं ये पौधे के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। पानी लगा दे। ठीक है, और मोनोपोडियल ऑर्किड्स जो हैं, ऑर्किड्स में स्टेम के आधार पे दो टाइप का हम बोल सकते हैं, मोनोपोडियल ऑर्किड्स और सिंपोडियल ऑर्किड्स। मोनोपोडियल में एक ही तना होगा, मतलब एक ही एपिकल मेरिस्टेम होगा जो ग्रोथ करते रहेगा, साइड में पत्तियां बनती रहेंगी और उसी के एपेक्स पे फिर फ्लावर बनते हैं, इन्फ्लोरेंस आता है। सिंपोडियल में ब्रांचिंग भी होता है, ठीक है, मतलब एक कई उसमें ब्रांचेस हो सकती हैं, उसको सिंपोडियल यानी कई पोडियम होंगे, तो सिंपोडियल ऑर्किड्स। ज़्यादातर सिंपोडियल होते हैं, कुछ मोनोपोडियल होते हैं जैसे वेंडा और वेनिला, ठीक है, साइप्रिपेडियम, और बहुत सारे जो हैं सिंपोडियल होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर जो फ्लोरल फार्मूला बनेगा, तो ये इसमें ब्रेक्ट पाया जाता है, ठीक है, BR यानी ब्रेक्ट। ये जो मार्क्स है ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को शो करता है, अर्थात केवल एक ही समतल ऐसा होगा, प्लेन होगा, जहाँ से ये दो भाग में, बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होते। एक्टिनोमॉर्फिक तब होते हैं जब सारे पेटल्स या सेपल्स या स्टमेन एक निश्चित क्रम में ही अरेंज्ड हों, ठीक है, सभी एक जैसे हों तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, परंतु यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक होते हैं ना, ये लैबलम के कारण और अंदर स्टेमेन के कारण भी ऐसा होता है। गाइनोस्टेजियम जो बनता है, गाइनोस्टेमियम, उसके कारण भी ये जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं। ठीक है, पेरियंथ, P3+3 लिखा है, जो ये पेरियंथ के लिए है। पेरियंथ में सेपल और पेटल आते हैं, तो चूंकि सेपल और पेटल दोनों कलरफुल होते हैं, ग्रीन सेपल्स जो हैं ग्रीन के अलावा भी दूसरे कलर के होते हैं, इसीलिए इसको कॉमनली हम पेरियंथ कह देते हैं। और वो दो चक्र में होते हैं, तीन तीन पाए जाते हैं, तीन सेपल और तीन पेटल। ठीक है, एंड्रोसियम यानी स्टेमेन एक दो या तीन हो सकते हैं, ठीक है, एक और दो के रिंग में भी अरेंज्ड होते हैं, ये भी दो रिंग में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं नीचे में। ठीक है, पहले गाइनोसियम देख लेते हैं। गाइनोसियम ये और ट्राई कार्पेलरी होता है, तीन लिखा है, जो वो क्या होता है, ट्राई कार्पेलरी और सिन कार्पस होते हैं, यानी सारे कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं, कोस्टक जो है सिन कार्पस को शो कर रहा है, और उसके ऊपर जो ये लाइन है ये इन्फेरियर ओवरी को शो करता है, अर्थात इपिगाइनस कंडीशन, मतलब ओवरी नीचे होता है और जहाँ से पेटल और सेपल जुड़े होते हैं वो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, यानी ओवरी के ऊपर से कहीं पर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरल फार्मूला हो गया, ये फ्लोरल डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं ये बाहर की ओर सेपल्स, तीन सेपल्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक्ट भी पाया जाता है, ठीक है, ब्रेक्ट भी यहाँ पे पाया जाएगा, उसके अंदर ये पेटल वाला एरिया है, दो पेटल ये साइड में लेटरल पेटल्स हैं, नॉर्मल होते हैं जो, और ये वाला पेटल इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये लेबलम है, यानी ये पेटल ही है जो कि स्पेशलाइज्ड हो गया है इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, और इसमें जब रेजुपिनेशन पाया जाता है, ये रेजुपिनेशन, तो ये 180 डिग्री पर ऐसे घूम जाता है पूरा का पूरा फ्लावर, तो जो यहाँ पे लेबलम है अभी ये किधर आ जाएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा, लेबलम किधर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा ना, जब ये 180 डिग्री पर घूम जाएगा, क्या फ्लावर का पेडिसिल ही घूम जाता है, तो इस कंडीशन को हम रेजुपिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजुपिनेशन, पहले भी देखे थे हमने। ठीक है, तो लेबलम स्पेशल होता है इसमें, और अंदर आप इसमें देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, दो रिंग में स्टेमेन है, ठीक है, दो तीन टोटल 6 स्टेमेन जनरली पाए जाते हैं, परंतु कुछ क्या नॉन फंक्शनल होते हैं, स्टेमिनोड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, केवल दो तीन या एक ही फंक्शनल के रूप में पाया जाता है। अच्छा, इसकी संख्या में और भी देख लेंगे। अब बीच में जो है ये गाइनोसियम जो है वो ट्राई कार्पेलरी होता है, देखे देखा हमने, इपिगाइनस, इन्फेरियर ओवरी, सिन कार्पस,
और यूनिलेकुलर होता है, इसको आगे मैंने बताया भी है। यूनिलेकुलर यानी तीनों कार्पल्स तो होते हैं परंतु अंदर से केवल एक ही चैम्बर होता है, जिसके कारण यूनिलोक्युलर या एक चैम्बर वाला कहते हैं। ठीक है, गाइनोसियम ट्राई कार्पलरी, यूनिलोक्युलर, इन्फेरियर ओवरी, इपिगाइनस होता है। ठीक है, सिन कार्पस भी होता है, यानी सारे कार्पल्स जुड़े होते हैं। लेबलम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, पेटल होता है, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे सिम्बिडियम, साइप्रिपेडियम, कटलिया, वेंडा, वेनिला, एपी पैक्टिस, ऑर्किस, हैबेनेरिया, डेंड्रोबियम, बल्बोफिल्लम, एपी पोगोन। तो इसके अलावा बहुत सारे जीनस हैं जो कि ऑर्किड्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। ऑर्किड्स काफ़ी बड़ी फैमिली भी है, सेकंड लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है एंजियोस्पर्म में। और सबसे बड़ा तो एस्टेरेसी फैमिली होता है, जिसमें लगभग 30,000 या 32,000 के आसपास से स्पीसीज पाई जाती हैं। उसके बाद फिर ऑर्किडेसी फैमिली आता है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो ऑर्किडेसी फैमिली के बारे में इतना ही देखते हैं। थैंक यू।